तो गाइस रोनित चेट्टी है। सो हमारे लाइफ में कब जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में बस तीन चीज़ें रहते हैं, जो कि आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। हम कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं सोचते, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निगलेक्ट कर लेते हैं। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ है? आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके डाइट में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई स्पोर्ट्स और फिटनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते तो ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यू नो आपके डाइट के लिए एसेंशियल है, बट एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर डाइट। आज हम फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका पार्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो फाइबर आपके डाइट में बहुत ही बड़ा असिस्टिंग रोल निभाता है। इसका एग्जाम्पल हम फुटबॉल से ले सकते हैं। मैं भी इतना फुटबॉल नहीं देखता, बट इससे आप रिलेट कर पाओगे। सो इन फुटबॉल द पर्सन हु असिस्ट इन स्कोरिंग गोल इज एज इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू द पर्सन हु स्कोर्स गोल। ठीक है, जो बंदा असिस्ट करता है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू द पर्सन हु स्कोर्स गोल। उसी तरह फाइबर भी आपके डाइट में आपको हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है। तो पहला बेनिफिट फाइबर का ये है, द फूड्स विच आर रिच इन फाइबर आर ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आर ऑल्सो रिच इन माइक्रोज। ओके, जो फूड फाइबर रिच रहते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स माइक्रोज में भी रिच रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी रिच रहते हैं। और दूसरा और एक ये बेनिफिट है कि जो मेजोरिटी ऑफ द फाइबर फूड्स रहते हैं वो बहुत लो रहते हैं कैलोरी में। सो फैट लॉस के टाइम पे ये बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, और ये आपको आपके स्टमक को एक यू नो फुलनेस वाली फीलिंग देते हैं। मीन्स आपने यू नो ककड़ी वकड़ी खा ली, यू गेट लाइक 15 to 20 कैलोरीज, बट स्टिल आपका पेट आपको भरा जैसा लगता है। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है फाइबर का कि ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस द फाइबर रिच फूड आर ऑल्सो रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड अनदर थिंग इज दैट दे आर ऑल्सो यू नो लो इन कैलोरीज, बहुत कम कैलोरीज रहते हैं। इफ़ यू गो टू द वेजी सेक्शन ऑफ फाइबर, बहुत कम कैलोरीज रहते हैं उसमें, हार्डली 15 to 20 कैलोरीज। तो फाइबर का दूसरा बेनिफिट जानने के लिए हमें थोड़ा इंसुलिन वगैरह टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा साइंस वगैरह थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी कर दे सकता हूँ कि आप कुछ नया सीखेंगे और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो गेन करेंगे ये जो भी चीज़ मैं बताऊँगा मैं आपको। सो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, पर्सन ए, जो कि फ़िलहाल एक मील में कंज्यूम कर रहा है 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस, क्योंकि खाली प्लेन 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो क्या होता है, वो राइस कंज्यूम करता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है प्लेन राइस, वो ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड में आता है एज अ ग्लूकोज। जो आपने फूड कंज्यूम किया, ये केस में वाइट राइस, वो ब्रेक डाउन होके आता है आपके ब्लड में एज अ ग्लूकोज। कार्ब्स भले सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, एंड ऑफ द डे वो ब्रेक डाउन होके एज अ ग्लूकोज ही आएगी आपके ब्लड में। बस फर्क ये रहता है, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वेर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उनका ब्रेक डाउन स्पीड स्लो रहता है कंपेयर टू सिंपल कार्ब। सो जो आपका बॉडी है वो अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है या शुगर लेवल मेंटेन रखता है, जो कि रहता है 70 to 110 mg/dL। जब ये रेंज 70 के नीचे रहता है, इसका मतलब है आपके ब्लड में ग्लूकोज कंटेंट या शुगर कंटेंट कम है, और जब ये 110 के मार्क को क्रॉस करता है, इसका मतलब है आपके ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया है। सो ये केस में हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है कि वो 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस कंज्यूम करता है। ठीक है, सो वो ब्रेक डाउन होकर एज अ ग्लूकोज आपके ब्लड में आना है। तो क्या होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज आता है जो आपने फूड कंज्यूम किया है, तब क्या होता है, आपका जो 110 का मार्क रहता है वो क्रॉस होता है, आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है क्योंकि आपने फूड कंज्यूम किया है, तो वो 110 के मार्क को क्रॉस करता है। तो जब ये 110 के मार्क को क्रॉस करता है, तब आपके पैंक्रियाज एक्शन में आते हैं। पैंक्रियाज का काम ये रहता है, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन आपके पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं, और वो इंसुलिन जो आपके ब्लड में जो 110 के मार्क को क्रॉस किया गया ग्लूकोज लेवल, वो एक्सेसिव ग्लूकोज को फर्स्ट आपके मसल में भरते हैं, जिसे कहते हैं मसल ग्लाइकोजन। जो भी आपके मसल में ग्लूकोज के रिजर्व्स रहते हैं उसको कहा जाता है मसल ग्लाइकोजन, और ये मसल ग्लाइकोजन आप जो भी यू नो ट्रेनिंग एक्टिविटी करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो या कोई भी काइंड की मस्कुलर एक्टिविटी करते हो, तब ये एनर्जी मसल ग्लाइकोजन की एनर्जी यूज़ की जाती है। और दूसरा चीज़ ये भी रहता है, जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज है वो आपके लिवर में भी स्टोर होता है एज अ लिवर ग्लाइकोजन। ठीक है, पहला तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज है इंसुलिन जाता है,
उसको आपके मसल में फिल करता है एज अ मसल ग्लाइकोजन और आपके लिवर में भी फिल करता है एज अ लिवर ग्लाइकोजन। अभी आपका मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन तो फिलअप हो गया, लेकिन फिर भी आपके ब्लड में ग्लूकोज तो आया जा रहा है क्योंकि आपने जो कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम किया था, फॉर एग्जाम्पल वो बड़ा है तो ग्लूकोज तो आते जाएगा क्योंकि उसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट है और आपके ब्लड में ऐसा ग्लूकोज तो आते जाएगा और वो आपके इंसुलिन ने फर्स्ट मसल और लिवर ग्लाइकोजन तो फिलअप कर दिया, लेकिन अभी भी वो ग्लूकोज अगर ब्लड में आया जा रहा है, मीन्स अगर आपका मील बहुत बड़ा है, तो वो ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? वो जो ब्लड में ग्लूकोज है जो आया जा रहा है अभी भी 110 के मार्क को क्रॉस करके बैठा है, तो वो ग्लूकोज का क्या आएगा? वो जो भी ग्लूकोज है आपका इंसुलिन एज अ फैट आपका स्टोर करेगा, जो भी इंसुलिन है वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज ड्राइव करेगा एंड इट विल बी स्टोर्ड एज अ फैट। सो यहाँ पर बात आता है अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका मील भी क्वांटिटी लार्ज है तो वो ब्रेकडाउन होकर ऐसा ग्लूकोज तो आता है आपके ब्लड में और ब्रेकडाउन भी बहुत फास्ट रहता है, तो फर्स्ट तो आपका एज अ लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन एज वो ब्रेकडाउन बहुत फास्ट है और आपका ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जा रहा है तो आपका इंसुलिन बहुत स्पाइक होता है और वो जो भी है एज अ फैट स्टोर हो जाता है। वेर एज इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपका इंसुलिन इतना स्पाइक नहीं होता है। क्यों स्पाइक नहीं होता है? क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नेचर ही वैसा रहता है, उसका ब्रेकडाउन स्लो होता है, सो एज ब्रेकडाउन स्लो होता है तो धीरे धीरे आपके ब्लड में ऐसा ग्लूकोज आता है एंड थोड़े लेवल पे ही इंसुलिन स्पाइक होता है जो कि आपके मसल में ऐसा धीरे धीरे आपके मसल में और लिवर में स्टोर होता रहता है। अभी हमने इतना इंसुलिन, मसल ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, इंसुलिन स्पाइकिंग, फैट स्टोरेज के बारे में बात किया, ये वो। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया रहेगा, इसका हमारा टॉपिक फाइबर के ऊपर है तो इसका फाइबर से क्या लेना देना? ठीक है, याद करें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फर्स्ट के, पर्सन है 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस कंज्यूम करता है, उसने वाइट राइस कंज्यूम किया तो आपके ब्लड उसके ब्लड में ऐसा ग्लूकोज एंटर किया। सो फर्स्ट तो जो भी ग्लूकोज है जैसे कि मैंने पहले बताया इंसुलिन रिलीज होएगा, इंसुलिन फर्स्ट मसल ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा, लिवर ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा और जो भी एक्सेसिव रहेगा वो एज अ फैट स्टोर होएगा। अभी और एक एग्जांपल पर्सन बी कंसिडर करिए, जो भी वो भी 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस कंज्यूम करता है लेकिन इसके साथ वो एक बाउल ऑफ वेजीज रखता है, कोई भी कॉलीफ्लावर कैप्सिकम ये वो उसका मिक्स रखता है। ठीक है, तो अभी आप क्वांटिटिवली सोचने जाओगे तो आप देखोगे कि पर्सन ने तो 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस कंज्यूम किया है और पर्सन बी ने तो 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस भी कंज्यूम किया है और ऊपर से और चीज़ें कंज्यूम किया है, तो पर्सन बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो एज अ फैट स्टोरिंग कैपेसिटी के लिए पर्सन बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पर ही फाइबर अपना मेन रोल निभाता है। तो पर्सन ए के केस में फैट स्टोरिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसने बस प्लेन वाइट राइस का मील कंज्यूम किया है, वेर एज पर्सन बी ने अपने डाइट में वो वाइट राइस के साथ उसने एक बाउल ऑफ वेजीज भी रखा है जिसमें रहता है फाइबर, यहाँ पर फाइबर अपना मेन काम करता है। सो फाइबर का मेन रोल क्या है? जो आपके ब्लड में ग्लूकोज एंटर कर रहा है उसके रेट को वो स्लो कर देता है। जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो तो फाइबर एक तरह का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो भी ग्लूकोज आपके ब्लड में एंटर हो रहा है उसका रेट स्लो कर देता है। उससे क्या होता है, आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं होएगा और आपका इंसुलिन धीरे कम स्पाइक होएगा जो कि आपके मसल ग्लाइकोजन में और लिवर ग्लाइकोजन में धीरे धीरे ग्लूकोज फिलअप करे। तो फाइबर यही काम करता है, जो भी आप मील कंज्यूम करते हो उसका ब्रेकडाउन रेट वो स्लो कर देता है, जो भी आप मील कंज्यूम करते हो वो ब्रेकडाउन आके एज अ ग्लूकोज होता है। सो वो जो आपका फूड ब्रेकडाउन होकर एज अ ग्लूकोज एंटर हो रहा है आपके ब्लड में उसका रेट स्लो कर देता है ताकि आपका फैट स्टोरिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। सी एंड ऑफ द डे यही रहता है कि टोटल कैलोरीज पे ही डिपेंड करता है कि आपने कितने कैलोरीज कंज्यूम किया, अगर आपने एक्सेस से मेंटेनेंस कैलोरी से एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम किए तो फैट स्टोर होता है, बट कैलोरीज इट्सेल्फ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन एंड द इंसुलिन स्पाइकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू कैलोरी का न्यूट्रिशन, और जो आप मील्स कंज्यूम कर रहे हो क्या वो इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है आपके कैलोरीज से। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम सिंपल ले सकते हैं, एक पर्सन है उसका मेंटेनेंस कैलोरी है 2200 और एक 2200 मेंटेनेंस कैलोरीज है, सो वो पर्सन 2200 कैलोरीज न्यूट्रिशियस फूड से भी कंज्यूम कर सकता है जिससे वो ऑप्टिमल लेवल का न्यूट्रिशन रखेगा, इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करेगा, और वही 2200 कैलोरीज वो पिज़्ज़ा खा के भी फुलफिल कर सकता है। सो आपको क्या लगता है, ये तो बहुत ही बेसिक है समझने के लिए आपके लिए, कि दोनों केस में रिजल्ट सेम रहेगा अगर वो 2200 कैलोरीज पिज़्ज़ा से कंज्यूम करे और 2200 कैलोरीज न्यूट्रिशियस फूड और लेस इंसुलिन स्पाइकिंग फूड से कंज्यूम करें। सो फाइबर के सोर्सेज क्या रहते हैं? सो फाइबर मोस्टली आपको आपके वेजिटेबल्स में मिलते हैं एंड फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में भी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलते हैं, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, आपकी भिंडी हो गई, सो ये सब सोर्सेज से मिलते हैं एंड आप भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज है फाइबर के
बट मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा रहते हैं, सो ट्राई टू इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर डाइट बिकॉज उनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है. सो आपको पता चल गया रहेगा कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट केस, जैसे फाइबर आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सेकेंड केस, फाइबर हैंडल्स द रेट एट विच द ग्लूकोज एंटर्स योर ब्लड. वो ब्रेकडाउन रेट को स्लो कर देता है ताकि जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे आपके ब्लड में आए और ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक ना हो और वो आपके मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन में मोस्ट पोर्शन उसमें स्टोर है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी तरह का इन्फॉर्मेशन या वैल्यू ऐड किया या कुछ नया सीखने मिला है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको ये चीज़ से फेमिलियर नहीं थे. सो उनके साथ भी शेयर करिए, उनके साथ भी नॉलेज स्प्रेड करिए. ठीक है, सो मैं चलता हूँ. मैं अभी मेरा कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ एंड आप अपने नेक्स्ट मील के लिए फाइबर देखिए. बाय. मैं अभी मेरा कॉफ़ी इन्जॉय करता हूँ एंड आप अपने नेक्स्ट मील के लिए फाइबर देखिए.